हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैरीटाइम के बारे में बहुत सारे शब्दों को देखा और समझा। हमने यह भी जाना कि समुद्र के ऊपर जो विधि है वह बहुत आसानी से नहीं बना, यह बहुत समय के साथ धीरे 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 डेवलप किया। तो इसके ऊपर जो पहला विधि जिसको मैक्सिमम देशों ने माना वह 1958 में जनेवा कन्वेंशन में बना। ठीक है, जनेवा में विश्व के अधिकांशतः देश बैठे और इसके ऊपर एक विधि बनाने में सहमत हुए। यह जो कन्वेंशन था समुद्र विधि के ऊपर मील का पत्थर साबित हुआ। इस कन्वेंशन में मुख्य रूप से चार कन्वेंशन पारित हुए। अब यह चार कन्वेंशन, इसको याद करना बहुत आसान है। कौन कौन चार कन्वेंशन? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र को तीन भागों में बांटे थे। पहला भाग था सामुद्रिक पेटी, दूसरा भाग था पार्श्ववर्ती पेटी। तो इसके प्रथम कन्वेंशन में इसी दो नामों को लिया गया। तो पहले कन्वेंशन का नाम था सामुद्रिक पेटी एवं पार्श्ववर्ती पेटी पर जनेवा अभिसमय 1958। ये हो गया पहला अभिसमय। दूसरा अभिसमय, अब समुद्र में को बांटे थे हमने तीन भागों में, दो भाग तो ले लिए, तीसरा भाग रह गया खुला समुद्र। तो दूसरे कन्वेंशन का नाम इसी पर पड़ा, खुले समुद्र पर जनेवा अभिसमय 1958। अब तो तीनों भाग ले लिए, कन्वेंशन तो दोनों पूरा हो गया, तो तीसरा कन्वेंशन किस पर बना? तो अब समुद्र में क्या बचा? समुद्र के भाग को ले लिए ऊपर के तीनों भाग, तो अब समुद्र में बचा तल। तो तीसरे कन्वेंशन का नाम इसी पर पड़ा, महाद्वीपीय समुद्र तल पर जनेवा अभिसमय 1958। ये तीन कन्वेंशन हो गया। अब समुद्र के हम लोगों ने तीनों ऊपर के तीनों भाग ले लिए, नीचे का तल भी ले लिया, तीन कन्वेंशन भी हो गए, चौथा कन्वेंशन भी बना। अब समुद्र में क्या बचा? तो अब समुद्र में बच गए मछली, जीव जंतु, द्रव्य। तो चौथे कन्वेंशन का नाम इसी पर पड़ा, मत्स्य जीवित द्रव्यों एवं मत्स्य जीवों पर जनेवा कन्वेंशन 1958। तो इस तरह क्या कहता है, जनेवा कन्वेंशन में चार कन्वेंशन पारित हुए जिसका मैं आप समझ गए कौन कौन। तो पहला सामुद्रिक पेटी और पार्श्ववर्ती पेटी पर जनेवा अभिसमय 1958, दूसरा खुले समुद्र पर जनेवा अभिसमय 1958, तीसरा महाद्वीपीय समुद्र तल पर जनेवा कन्वेंशन 1958, और चौथा जीवित द्रव्यों एवं मत्स्य प्राणियों पर जनेवा कन्वेंशन 1958। इन चारों कन्वेंशन को बना तो लिया गया, लेकिन उसमें एक अड़चन आया। उसमें एक रूल था कि कम से कम 60 देश अगर सहमत होंगे तभी यह फोर्स में आएगा। तो 1994 में गयाना 60वां देश था जो इस पर दस्तखत किया और यह कन्वेंशन रूल में आ गया। 2011 आते आते करीब 161 देशों ने इस पर दस्तखत कर दिया था। इस कन्वेंशन में, यह कन्वेंशन तो समुद्र के ऊपर बन गया और बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी इसमें सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई कितनी होगी यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। यह स्थिति कब स्पष्ट हो पाई? तो वर्तमान समय में समुद्र के ऊपर जो सर्वव्यापी, जिस पर अधिकतर देश मानते हैं जिस विधि को, वह 1982 में पास हुआ, जिसका नाम था समुद्र विधि अधिनियम 1982। यह कन्वेंशन आज, यह जो कन्वेंशन था यह आज लागू है और इसमें सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई 12 मील निर्धारित की गई। इस प्रकार हम देखें कि दो जो विधि बनी 1958 में और 1982 में, यह मुख्य रूप से अभी वर्तमान समय में अधिकतर देश इसको मानते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं अपने देश में भी, हर देश ने भी अपने यहाँ समुद्र के ऊपर कानून बनाया। भारत ने भी बनाया, भारत ने 1976 में समुद्र के ऊपर कानून बनाया और वो हमारे यहाँ आज लागू है। जिसने इस कानून के अंतर्गत भी भारत ने उन्हीं सभी मान्यताओं को लगभग मान्यता दी जो कि 1982 और 1998 वाली बातों को कहता है, यानी अधिकतर देश जिस बात पर सहमत हैं। यह जब हम मैरीटाइम पढ़ेंगे या इसके ऊपर किसी क्वेश्चन को लिखेंगे या तो इन तीनों बातों को, इन तीनों विधियों का जिक्र उसमें अवश्य करेंगे। जैसे अगर सामुद्रिक पेटी किसे कहते हैं, यह क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है, तो वह संपूर्ण तब माना जाएगा कि सामुद्रिक पेटी के बारे में 1958 क्या कहता है,
1982 क्या कहता है और भारत की स्थिति इसमें क्या है। जब इन तीनों बातों को क्लियर करेंगे तो वह क्वेश्चन लिखने के रूप में या समझने के रूप में पूर्ण होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जनेवा कन्वेंशन जो मुख्य रूप से या ऑब्जेक्टिव में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो इसको लिखना आसान है और इसके ऊपर हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। हम लोग आज जनेवा कन्वेंशन का मुख्य रूप से बात कर रहे थे कि इसमें चार कन्वेंशन पारित हुए। यह तो आपको याद हो गया होगा कि चारों कन्वेंशन कौन कौन सा था। अब यह चार कन्वेंशन फोर्स में लागू कब से हुआ? तो पहला कन्वेंशन जो था सामुद्रिक पेटी और पार्श्ववर्ती पेटी पर जनेवा अभिसमय, यह 10 सितंबर 1964 से लागू हो गया। इस तरह दूसरा कन्वेंशन जो था खुले समुद्र पर जनेवा कन्वेंशन अभिसमय, जिस अभिसमय या कन्वेंशन, वह 30 सितंबर 1962 को पास हुआ। तीसरा जो था महाद्वीपीय समुद्र तल पर जनेवा अभिसमय, यह 10 जून 1964 को फोर्स लागू हो गया। और चौथा जो था जीवित द्रव्यों एवं मत्स्य प्राणियों पर जनेवा कन्वेंशन 1958, यह 20 मार्च 1966 को लागू हो गया। तो इस तरह क्या कहता है, अगर आपके पास जनेवा कन्वेंशन पर अब कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। जनेवा कन्वेंशन या जो कन्वेंशन, अब इसको एक बात होता है कि सर इसको कन्वेंशन अभी समय ये सब वर्ड क्यों बोला जाता है? तो इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है कि समुद्र के ऊपर जब कोई कानून बनता है तो उसको बना देंगे, कोई कानून बना देगा तो कोई देश इसको मानेगा कि नहीं मानेगा यह आसान नहीं है। कोई देश नहीं मानेगा तो हम उसका क्या कर लेंगे? यह तो आसान नहीं है कि उस देश जबरदस्ती उसके ऊपर उसको लागू करवा लिया जाए। तो एक उसको पहले सभी देशों को किसी एक बात पर सहमत किया जाता है, यानी आपस में संधि की जाती है कि हाँ यह बात, यह नियम बनेगा और इस नियम को हम सभी देशों को मानना है, आप इससे सहमत हैं। अगर जब सभी देश इस पर सहमत हो जाते हैं तब यह कानून का रूप ले लेता है। इस तरह जनेवा कन्वेंशन में आप चार अभी समय पारित हुआ यह तो समझ गए। इसमें सबसे मुख्य बात यह रहा कि अधिकतर देश इस बात से सहमत हुए कि सामुद्रिक पेटी पर तटवर्ती राज्यों को पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का अधिकार रहेगा, या अर्थात कि जो तटवर्ती देश होंगे उसको सामुद्रिक पेटी पर विशेष अधिकार मिलेगा और इनोसेंट पैसेज, निर्दोष मार्ग अन्य देशों के लिए होगा, इस बात पर भी सहमति बन गई। सिर्फ सहमति इस बात पर नहीं बन पाई कि सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई क्या होगी, क्योंकि इसमें जितने विकसित देश थे जो कि मछली मारने में महारत हासिल किए हुए थे, खनिज पदार्थ निकालने में महारत हासिल किए हुए थे, वह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र हमको मिले, और जो विकासशील देश थे वह ऐसा नहीं चाहते थे। इस वजह से उसकी चौड़ाई निर्धारित नहीं हो सकी। फिर खुले समुद्र पर भी जो इसमें पास हुआ कन्वेंशन, इसमें भी अधिकतर देश इस बात से सहमत हो गए कि खुला समुद्र सभी देशों के लिए खुला होगा, चाहे वह लैंडलॉक्ड स्टेट हो और चाहे वह कोस्टल स्टेट हो। लैंडलॉक्ड स्टेट यानी भूभद्र राज्य, वैसे राज्य जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं सटती हैं, अगर वह भी अगर खुले समुद्र का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, उसको भी इसके तहत अधिकार दिए गए हैं। मछली पकड़ने का अधिकार, नौ परिवहन का अधिकार, वैज्ञानिक खोज का अधिकार और केबल पाइपलाइन बिछाने का अधिकार, यह सब खुले समुद्र में अन्य देशों को मिले हुए अधिकार थे। इस तरह बहुत सारे जो विसंगतियां थी, जो कि नहीं, जिस पर लोग सहमत नहीं थे, उस पर सहमति बन पाई इस जनेवा अभिसमय के कारण, जो कि आगे चलकर जो 1982 में यह हुआ पारित हुआ समुद्र विधि, उसके लिए यह बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि क्या कहता है जनेवा कन्वेंशन, समुद्र के ऊपर एक अपना विशेष स्थान रखता है।